सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल क्राइम शो में, जहां हम देखेंगे देश में होने वाले भयंकर जुल्मों को, जिससे आपको सबक लेने की और सजग रहने की सीख मिलेगी। स्वागत है आप सभी का 10 की दस्तक में। तो आइए देखते हैं आज की सनसनीखेज वारदात। पत्नी के शव के टुकड़े टुकड़े कर घर के पीछे गाड़ दिया। पति ने पत्नी की हत्या की, फिर शव से पैर और सिर काट कर अलग कर दिए। जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह लगातार उन्हें गुमराह करता रहा। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और घर के पीछे से महिला के शरीर के टुकड़े बरामद किए। एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की और शव के टुकड़े कर घर के पीछे गाड़ दिया। शख्स को शक था कि पत्नी चोरी कर रही थी। पत्नी के सिर को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। वह पुलिस को भी कई दिनों तक गुमराह कर रहा था। कपल ने एक डील के तहत शादी की थी। 66 साल के रॉबर्टो कोलन और 45 साल की मैरी स्टेला की शादी जनवरी 2021 में हुई थी। मैरी मुलत कोलंबिया की रहने वाली थी। कोलन की मां डेमेंशिया से ग्रस्त थी। कोलन ने मैरी से कहा कि अगर वह उनकी मां की देखभाल का काम कर सकती है तो वह उससे शादी कर लेगा। इससे उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। यह बात सुनकर मैरी उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। मैरी को भी लगा कि अमेरिका में आकर उनकी जिंदगी सवर जाएगी। महज कुछ सप्ताह के अंदर दोनों की शादी हो गई। इस बीच मैरी ने अपने एक दोस्त को बताया कि कोलन ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मैरी ने एक कार लोन पर ली थी, जिसके एग्रीमेंट पर कोलन की मां ने उसकी गारंटी ली थी। मैरी ने इसके बाद अपने दोस्त को बताया कि वह मैरी को कार वापस करने जा रही है। साथ ही जो चीज़ें भी जिसके बारे में कोलन ने दावा किया कि उन्होंने चुराई है। 18 फरवरी को मैरी कोलन के घर गई। जब वह घर गई तो फोन पर अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी, लेकिन बात करते हुए नो नो कोलन करते हुए चिल्लाई। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मैरी के दोस्त ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके दो दिन बाद मैरी के दोस्त ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस ने मैरी को लेकर कोलन से पूछताछ की तो उसने मना कर लिया। उनकी शादी एक समझौता थी, लेकिन कोलन ने पुलिस से कहा कि वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कहाँ है। कोलन ने पुलिस से यह भी कहा कि उसकी पत्नी उसकी मां के साथ कई दिनों से धोखाधड़ी कर रही थी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मां की देखभाल करने के लिए नौकरी से उसे निकाल दिया था। कोलन ने कहा कि वह डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन जब वापस आए तो मैरी घर पर नहीं थी। 23 फरवरी को एक खून से लथपथ बैग कोलन के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिला। इस बैग की पहचान बाद में मैरी के जानकार लोगों ने की। इसके बाद पुलिस कोलन के घर फिर गई, लेकिन कोलन ने फिर से पुलिस को नई कहानी सुना दी। कोलन ने कहा कि उसकी पत्नी का सिर दीवार से लग गया था, जिसके बाद उसका फोन गिर गया। पुलिस ने कोलन के घर की जांच की और उन्हें लाल रंग के निशान फर्श पर मिले। पता चला कि इस इंसान का खून है। इसके बाद भी पुलिस को उसने झांसा दिया। पुलिस एक बार फिर से कोलन के घर जांच के लिए आई, लेकिन इस बार कोलन हिंसक हो गया। उसने अपनी पत्नी मैरी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब घर की जांच की गई तो उसके घर के पीछे इंसानी शरीर के कुछ हिस्से मिले, हालांकि उसका सिर और पैर गायब था। पति ने पत्नी की हत्या की, फिर शव से पैर और सिर काट कर अलग कर दिए। जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह लगातार उन्हें गुमराह करता रहा। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और घर के पीछे से महिला के शरीर के टुकड़े बरामद किए। एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की और शव के टुकड़े कर घर के पीछे गाड़ दिया। शख्स को शक था कि पत्नी चोरी कर रही है। पत्नी के सिर को कूड़ेदान में फेंक दिया। वह पुलिस को भी कई दिनों तक गुमराह कर रहा था। कपल ने एक डील के तहत शादी की थी।
66 साल के रॉबर्टो कोलोन और 35 साल की मैरी स्टेला गोमेज मुलेट की शादी जनवरी 2021 में फ्लोरिडा में हुई थी। मैरी मूलतः कोलंबिया की रहने वाली थी। कोलोन की मां डिमेंशिया से ग्रस्त थी। कोलोन ने मैरी से कहा था कि अगर वो उनकी मां की देखभाल का काम कर सकती है तो वह उससे शादी कर लेगा। इससे उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। यह बात सुनकर मैरी उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई। मैरी को भी लगा कि अमेरिका में आकर उनकी जिंदगी सवर जाएगी। बस कुछ सप्ताह के अंदर दोनों की शादी हो गई। इसी बीच मैरी ने अपने एक दोस्त को बताया कि कोलोन ने उन पर चोरी का आरोप लगाया। मैरी ने एक कार लोन पर ली थी जिसके एग्रीमेंट पर कोलोन की मां ने उनकी गारंटी ली थी। मैरी ने इसके बाद अपने दोस्त को बताया कि वह मैरी को कार वापस करने जा रही है, साथ ही वह चीजें भी जिसके बारे में कोलोन ने दावा किया है कि उन्होंने चुराई है। 18 फरवरी को मैरी कोलोन के घर गई। जब वह घर गई तो फोन पर अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी, लेकिन बात करते हुए वह नोनो कोलोन करते हुए चिल्लाई। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। मैरी के दोस्त ने कॉल करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके दो दिन बाद मैरी के दोस्त ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस ने मैरी को लेकर कोलोन से पूछताछ की तो उसने मान लिया कि उनकी शादी एक समझौता थी, लेकिन कोलोन ने पुलिस से कहा कि वह नहीं जानता कि उनकी पत्नी कहाँ है। कोलोन ने पुलिस से यह भी कहा कि उनकी पत्नी उनकी मां के साथ कई दिनों से धोखाधड़ी कर रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मां की देखभाल करने की नौकरी से उसे निकाल दिया था। कोलोन ने कहा कि वह डॉक्टर के पास गए थे लेकिन जब वापस आए तो मैरी घर पर नहीं थी। 23 फरवरी को एक खून से लथपथ बैग कोलोन के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला है। इस बैग की पहचान बाद में मैरी के जानकार लोगों ने की। इसके बाद पुलिस कोलोन के घर पर फिर गई, लेकिन कोलोन ने फिर से पुलिस को नई कहानी सुना दी। कोलोन ने कहा कि उनकी पत्नी का सर दीवार से लग गया था जिसके बाद उनका फोन गिर गया। पुलिस ने कोलोन के घर की जाँच की और उन्हें लाल रंग के निशान फर्श पर मिले। पता चला कि यह इंसान का खून है। इसके बाद भी पुलिस को उसने झांसा दिया। पुलिस एक बार फिर से कोलोन के घर जांच के लिए आई, लेकिन इस बार कोलोन हिंसक हो गया। उसने अपनी पत्नी मेरी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब घर की जांच की गई तो उसके घर के पीछे इंसानी शरीर के कुछ हिस्से मिले, हालांकि उसका सिर और पैर गायब था। तो देखा दर्शकों कैसे एक पति हैवान बन गया और अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके शव से पैर और सिर काट कर अलग कर दिया। उसकी हैवानियत इतनी थी कि उसने पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर घर के पीछे गाड़ दिए। हमारे स्पेशल शो में आपको इसी तरह के जुर्म से सतर्क रहने की, सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी ही और सनसनीखेज वारदात और क्राइम स्टोरीज देखने के लिए देखते रहे 10 की 10 तक और जुड़े रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।